Vice President of World Homeopathic Awareness Organization, USA. He is a co-host of Health In through Homeopathy World Community, USA. Please welcome. Thank you. Namaste, Sabiko. और मैं बामरा ट्रस्ट के शायद स्टेज पर आज दूसरी बार हूँ डॉक्टर संगीता की वजह से. इन्होंने बहुत अप्रोच की और मुझे पता भी नहीं था, मैं भूल गया था बामरा ट्रस्ट को, लेकिन डॉक्टर संगीता ने फिर से याद दिलाया, इसलिए सॉरी आपसे नहीं भूलूंगा, क्योंकि आज बात का एक्चुअली मतलब पता लग गया. मैं मुझे बताया वो आज पता लग गया, तो बहुत थोड़ी सी बात बताता हूँ और मैं सब स्टूडेंट्स को कुछ बताना चाहता हूँ. बेसिकली देखिए, मुझे एक बात यहाँ पे सर की एक बात पकड़ी है, इंडिविजुअलिटी की. इंडिविजुअलिटी हर चीज में स्पेशली होम्योपैथी में, वो चाहे डॉक्टर्स में हो चाहे सिम्टम्स में हो. डॉक्टर्स जैसे अगर हम ज्यादातर होम्योपैथ्स हैं और थर्ड एथोलॉजी में पढ़े हैं, तो एक वर्ड है इफ फिजिशियन परसीव. इफ मतलब एक कंडीशन हो गई, अगर फिजिशियन ने परसीव किया तो ही जजमेंट या तो ही ट्रीटमेंट जुडिशली हो पाएगा, वरना नहीं हो पाएगा. तो एक जो है कंडीशन है, और इसका मतलब क्या हो गया, एक इंडिविजुअल फिजिशियन ही होम्योपैथ बन सकता है. हर कोई होम्योपैथी पढ़ करके होम्योपैथ नहीं बन सकता, क्योंकि उसको परसीव करना बहुत जरूरी है. जैसे छींक की बात आपने सर कही के, वो कोई लोग बहुत सारे जो मॉडर्न मेडिसिन है छींक नहीं ठीक कर पाती. मैं क्योंकि कम्युनिटी मेडिसिन का लेक्चरर हूं मेडिकल कॉलेज में, अपने बच्चों को तीन चीज हमेशा पढ़ाता हूं, डिजीज दिस इज डिजीज नहीं दिस इज कहां पर है, इस समय कहां से आई और कहां जाएगी, ये हमको पता होना चाहिए. जनरली हम लोग इसमें लैकिंग है. लैकिंग क्यों है, क्योंकि हम लोग होम्योपैथ पहले बन जाते हैं, डॉक्टर बाद में बनते हैं. ये भूल जाते हैं कि डॉक्टर है नहीं, मैं पहले एक मेडिकल डॉक्टर थे, वो जानते थे कि एनाटॉमी क्या है, वो जानते थे कि फिजियोलॉजी क्या है, वो जानते थे कि पैथोलॉजी क्या है, उसके बाद वो होम्योपैथ बने. थिंक करने वाली बात है. हम लोग क्या करते हैं, पहले होम्योपैथ बन जाते हैं, उसके बाद कोशिश करते हैं. सर आपने भी कहा ना कि लैकिंग है गवर्नमेंट सेक्टर में, आईपीडी में क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों नहीं भेज पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर नहीं है. डॉक्टर का मतलब ह्यूमन बॉडी को मेडिकली ट्रीट करना, होम्योपैथ अलग है डॉक्टर अलग है. मतलब जो मेरी अपनी ओपिनियन है, वैसे सीनियर्स है, मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहता हूं कि हर एक वो चीज, अगर आपको छींक भी ठीक करनी है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी छींक ठीक करनी है, फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल. ये हमें जब तक पता नहीं होगा कि हमें छींक कौन सी ठीक करनी है, तो हम ठीक कैसे करेंगे, वो चाहे सर एलोपैथ हो चाहे होम्योपैथ हो. ये सबके लिए बेसिक चीज है. मेरे को एक छींक आई, हो सकता है नॉर्मल है, ये काम है डॉक्टर का पकड़, डॉक्टर डिसाइड करेगा कि ये जो छींक है ये वाकई में ठीक करने लायक है या नहीं है. तो मैं बस बच्चों को इतना गाइडेंस देना चाहता हूं कि अगर एक अच्छा होम्योपैथ बनना है और अपने नाम जाके डॉक्टर लगाना है, तो डॉक्टर ह्यूमन बॉडी की जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ लोगे, तो पैथोलॉजी और प्रैक्टिस मेडिसिन अपने आप आ जाएगी. सर ने एक बात भी कही कि पिछले 50 सालों में जो चेंजेस हुए हैं वो पिछले 5000 सालों में भी नहीं होंगे. सर ऐसा कहा था, मैं कहता हूं कि अगले 50 सालों में जो चेंजेस होंगे वो पिछले 50 लाख सालों में भी नहीं होंगे. तो इस सोच पे हमें काम करना है. जब हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं तो हम उनको क्यों नहीं वर्क करते, हमें वर्क करना चाहिए. अभी सर ने कहा ना कि हमारे पास लैकिंग है, कि हमारे पास आईपीडी में पेशेंट को एडमिट करने के लिए होम्योपैथ के को जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, उनको यही नहीं पता कि हम एडमिट क्यों करेंगे, एडमिट करेंगे क्या, एडमिट करके क्या करेंगे, ये भी नहीं पता है. एडमिट तो करो, चलो हम आपने बेड प्रोवाइड करा दिए, एडमिट कर लेंगे, लेकिन एडमिट करके करेंगे क्या. पेशेंट को ये कहेंगे कि हमने एक ग्लोब्यूल दे दिया बेटा, अब तुम 10 घंटे तक लेटे रहो. प्रैक्टिकल थिंग है ना, कि आप क्या करोगे, उसको कैसे कन्विंस करोगे बेटा तुम 10 घंटे तक अभी लेटे रहो, और जबकि आपको ये भी नहीं पता कि 10 घंटे में रिजल्ट आ भी जाएगा कि नहीं. ये कहां से शुरुआत होगी, ये शुरुआत होगी जब हम इस फिजियोलॉजी को और ह्यूमन टेंडेंसी को ह्यूमन एनाटॉमी को समझने लगेंगे. अगर हमें पता लगेगा कि फिजियोलॉजी कैसे वर्क करती है, तो हमें अपने आप पता होगा कि पैथोलॉजी कैसे रिवर्स होकर के फिजियोलॉजी पे आएगी. हर चीज डॉक्टर क्लार्क जनरली पैथोलॉजी बेस पे चलते थे, रिपीटिशन भी करते थे, लोएस्ट पोटेंसी भी यूज करते थे. बहुत सारे प्रैक्टिकल थिंग्स हैं
यही हमें आईपीडीज में लाना है। डॉक्टर लिप्पे अवार्ड के जो सर ने जो शुरुआत की है ना, ये अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है जो उस चीज को ले जाएगी। लेकिन सर ने एक बात भी कही थी कि भाई वाई आयुष, कि हम किसी उस पर क्यों चलेंगे। मैं कहता हूं सर चलना चाहिए क्योंकि डॉक्टर हैनीमैन ने भी एक डिग्री तो ली थी। एक नॉर्म्स है, आपके भी अपने एक नॉर्म्स है कि आप जो बामरा आरोग्य ट्रस्ट है ये अपने एक नॉर्म पर काम करता होगा तो आयुष भी काम करेगा। फॉलो कैसे करना है, आयुष में वो लोग जाने चाहिए जो डॉक्टर्स हों। मेरे हिसाब से जो डॉक्टर्स हों उसके साथ साथ होम्योपैथ भी हों। तो स्टूडेंट्स को बस इतनी सी राय है कि दिस इज, ये कहां पर है, कहां से आई है और कहां जाएगी। अगर आपको ये पता है ना कि कहां जाएगी, तो यू कैन रिफर ए पेशेंट वेरी इजीली। आपको अपनी लिमिटेशंस पता रहेंगी, आप ये भी जान सकते हो कि आप क्या कर रहे हो। थैंक यू। Thank you, Dr. Sharma, for sharing some knowledge.